148 बुकलेट का पेज नंबर 148। देखो टॉपिक का नाम है एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस के अंदर देखो हमने क्या करना है, एल और सी ऑसिलेशंस के अंदर हमने इसमें एक इंडक्टर लेना है, एक कैपेसिटर लेना है, इरा कैपेसिटर, और इनको कनेक्ट कर देना है आपस में। कनेक्ट करने से पहले एक काम करना है, ये सर्किट अभी ओपन है, यहां पर एक कैपेसिटर के साथ एक बैटरी ले, बैटरी से कैपेसिटर को पूरी तरह चार्ज कर दें। चार्ज हो गया, मैक्सिमम चार्ज आ गया इस पे, और ये लेने से मना कर रहा है। फुली चार्ज करने के बाद आप इसकी बैटरी हटा दें और इसको इसके साथ जोड़ दें, इंडक्टर के साथ। अब आपने क्या किया, आपने चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया। अब कैपेसिटर के चार्ज को रास्ता मिल गया बाहर निकलने का, अब वो न्यूट्रल होने के चक्कर में माइनस से प्लस पे जाएगा चार्ज, तो इंडक्टर में करंट आ जाएगा। शुरू में करंट कम होगा, डिस्चार्जिंग स्लो होती है, लेकिन उसके बाद एक्सपोनेंशियल तेज हो जाती है और उसके बाद करंट ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर तब तक चार्ज खाली करता जाएगा जब तक वो पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं हो जाता, ठीक, तो वो चार्ज को रिलीज करता जाएगा। इस चक्कर में इंडक्टर के अंदर चार्ज जाना स्टार्ट होगा, इंडक्टर के पास इनिशियली कुछ भी नहीं था, बाद में क्या हुआ, इंडक्टर में करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया। जैसे चार्ज इसमें एंटर करेगा करंट आ जाएगा, इंडक्टर विल जनरेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक। तो इसमें करंट आ गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा इसके एक्सिस पे सोलेनोइड के। तो जहां पर फील्ड होता है, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां ग्रेविटेशनल एनर्जी है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक एनर्जी है, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। तो फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। तो इसके पास शुरू में जब सारा चार्ज था, इसके पास कुछ भी नहीं था, तो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक थी। जब इसने चार्ज को रिलीज करना शुरू किया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और मैग्नेटिक एनर्जी इसमें इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर में क्या होगा, कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा और एनर्जी इसके पास मैक्सिमम हो जाएगी, मैग्नेटिक जो भी होगी मैग्नेटिक फील्ड से मैक्सिमम हो जाएगा। एक तरीके से कैपेसिटर अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे रहा था, इंडक्टर को। अब इंडक्टर में जब तक करंट है तब तक तो एनर्जी संभाल के रखेगा। अब इंडक्टर क्या करेगा, क्योंकि इंडक्टर का चेंज इन करंट पीछे से जीरो हो गया, कैपेसिटर तो खाली हो गया, तो एकदम जब फ्लक्स जीरो हुआ, उसका चेंज जीरो हो गया, तो उसमें उल्टी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, क्योंकि वो कहता है कि मेरा जीरो क्यों किया, पहले उल्टी थी कि मेरे को अपोज कर रहा था, मेरा इंक्रीज क्यों कर रहे हो, अब उल्टा कहेगा कि आप कम क्यों कर दिया। वो उल्टी ईएमएफ क्या करेगी, जो पहली ईएमएफ क्या कर रही थी, इंड्यूस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करवाने में हेल्प कर रही थी, अब वो उल्टी ईएमएफ क्या करेगी, उसको चार्ज करवाने में हेल्प करेगी। इंडक्टर क्या करेगा, वही एनर्जी को वही करंट की फॉर्म में कैपेसिटर को देना स्टार्ट कर देगा और कैपेसिटर फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैग्नेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, कैपेसिटर के पास सारी एनर्जी आ गई। कैपेसिटर का काम क्या है, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर एनर्जी लॉस अजम्पशन है, एनर्जी लॉस ना कंसीडर करे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, और बार बार ये एनर्जी कैपेसिटर इंडक्टर के बीच में घूमती ही रहेगी। इस चीज को ऐसे समझने की बजाय, ये बहुत बढ़िया डायग्राम जिसने बनाया, बहुत ही जबरदस्त डायग्राम बनाया है, पूरे स्नैपशॉट से क्लियर कर दिया। इनिशियली कैपेसिटर फुली चार्ज है, क्यू मैक्स है, करंट क्या था, जीरो, सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक, नीचे की तरफ फील्ड, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ठीक, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, जीरो। अब क्या हुआ, इसने डिस्चार्ज करना शुरू किया, थोड़ी देर में करंट क्या हो गया, मैक्सिमम, चार्ज क्या हो गया, जीरो, सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में आ गई। अब क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज। अब कैपेसिटर को चार्ज देखो कैसे करेगा, ये प्लेट इनिशियली पॉजिटिव नेगेटिव करके दी थी हमने,
जब ये उल्टी ईएमएफ जनरेट करेगा तो इसकी चार्जिंग उल्टी कर देगा, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव। स्टेजेस देखो कैसे हो रही है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, करंट क्या हो गया फिर से जीरो, उल्टा हो गया सब कुछ। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और एनर्जी किसको देगा, मैग्नेटिक की फॉर्म में, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड जब जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, नीचे के इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको एनर्जी दी थी तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया था। अब जब ये उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एनर्जी देगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ हो गई। पहले जो कैपेसिटर था उसने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस किया था, अब कैपेसिटर उल्टा चार्ज्ड है उसने ऐसे जनरेट कर दिया, अब आई मैक्स हो गया। अब इंडक्टर वापस इसको चार्ज करेगा, रादर एक और स्टेज है, इंडक्टर खाली हो जाएगा, चार्ज फिर से किसके पास आ जाएगा, कैपेसिटर के पास। एक राउंड कंप्लीट हो गया, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गया। मतलब ऐसे नहीं कि चार्ज हमेशा एक तरीके से होता है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर, तो इसके अंदर एनर्जी एल और सी के बीच में मूव करती रहेगी। इस चीज को रिलेट किया गया एक स्प्रिंग मास सिस्टम से, जैसे एक मास को स्प्रिंग के साथ आपने खींच दिया, खींचा हुआ है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये इसकी मेन पोजीशन है। जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, स्प्रिंग एनर्जी। काइनेटिक क्या है, जीरो, वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी को कंपेयर किया गया करंट के साथ, आई जीरो वी जीरो, और जो एनर्जी है वो कौन सी है, स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी को कंपेयर किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। अब क्या हुआ, जब आपने रिलीज किया मेन पोजीशन से, जब ये क्रॉस कर रहा है तो वी क्या हो गया, मैक्सिमम, आई क्या हो गया, मैक्सिमम। स्प्रिंग एनर्जी क्या हो गई, जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गई, जीरो। सारी एनर्जी कहां गई, काइनेटिक। काइनेटिक को वो कंपेयर कर रहा है विद मैग्नेटिक एनर्जी, तो स्प्रिंग एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। फिर अभी ये वापस नहीं आया, अभी और अंदर जाएगा। अब कौन सी एनर्जी, वी क्या हो गया, जीरो, आई क्या हो गया, जीरो। कौन सी एनर्जी आ गई, स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी कंपेयर्ड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। पर अब स्प्रिंग कंप्रेशन में है, पहले एक्सपेंशन में था, फिर ये स्प्रिंग वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो वी मैक्स के साथ पास होगा, करंट मैक्स होगा, डायरेक्शन चेंज करंट की। और कौन सी एनर्जी, काइनेटिक। काइनेटिक कंपेयर्ड विद मैग्नेटिक, स्प्रिंग एनर्जी जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो। फिर ये वहीं वापस आ जाएगा, वी जीरो आई जीरो, और स्प्रिंग एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो ये कंपेयर किया जा सकता है इसे स्प्रिंग मास सिस्टम की ऑसिलेशंस के साथ। तो इसके अंदर भी चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, वो कैसे कर रहा है भी मैथमेटिकली दिखाऊंगा। तो एनर्जी टू एंड फ्रो मूव कर रही है, इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर, किस तरीके से मैंने डायग्राम से आपको समझाया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटेंस की ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशंस। ठीक, एलसी ऑसिलेशंस। जब एनर्जी कैपेसिटर के अंदर है तो कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी होती है, और जब एनर्जी इंडक्टर के अंदर है, इंडक्टर की एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ एल आई स्क्वायर, आई का मतलब उसमें कितना करंट है। ये फॉर्मूला कहां से आया, इसको ड्राइव करेंगे हम इसके बाद। तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट होती जा रही है और मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इस प्रोसेस को एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। और इसमें मैंने एनर्जी लॉस नहीं लिया, तो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रखी, इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अगर एनर्जी लॉस होगा तो एनर्जी कम होती जाएगी, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। एनर्जी टू एंड फ्रो मूव कर रही है, जो फ्रीक्वेंसी है मूव करने की, एक सेकंड में कितनी बार एल और सी में मूव करती है, उस फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है 1/2π अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी। ये फॉर्मूला कहां से आया, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है, एक प्रोसेस है। इसकी और डिटेल सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर आएगी, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन करेगी। अभी जस्ट एक प्रिंसिपल किया कि एनर्जी मूव कर सकती है इस तरीके से, राइट। तो